तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। तो गाइस फाइनली यहाँ पे एक और अनबॉक्सिंग वीडियो आ चुकी है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे एक आईफोन की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। बट उससे बड़ी बात तो ये है कि जो आईफोन मैंने परचेस किया है, इसे मैंने लिया है अगेन केसी फाइव से। तो 2022 में मेरा एक्सपीरियंस कैसा है केसी फाइव को लेकर, और इस बार मैंने कौन सा फ़ोन परचेस किया हुआ है, कितने प्राइस में परचेस किया हुआ है, किस कंडीशन में मुझे फ़ोन मिला, सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो पे मैं सबने कवर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी चैनल पर ऐसे अनबॉक्सिंग की वीडियो और आईफोन के टिप्स एंड ट्रिक्स के रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। इसलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैंने यहाँ पे एक फोन परचेस किया 2022 में, जो कि केसी फाइव से मैंने लिया हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि केसी फाइव से मैंने लिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि केसी फाइव से अगर आप प्रोडक्ट को परचेस करते हो तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है, और उसके बेसिक्स पे आप अपने एक्सपीरियंस को भी मेरे जैसे एक्सीलेंट बना सकते हो। तो चलिए फटाफट से बॉक्स को निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगेन मैंने परचेस किया हुआ एक आईफोन केसी फाइव से, एज अ सुपर कंडीशन मैंने इसे परचेस किया हुआ है, और मैं इसे आज ही हाल ही में परचेस किया। तो आप देख सकते हो कि आपको मॉडल से पता चल ही गया होगा कि इस बार कौन सा मॉडल है। तो डेफिनेटली जी हाँ, जो आप सोच रहे वही है आईफोन XR। तो मैंने इस बार आईफोन XR परचेस किया हुआ है। हालांकि इससे पहले भी मैंने एक आईफोन XR परचेस किया था अपने लिए, बट मेरे कज़न के लिए है, तो मैंने सोचा के लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो लाऊँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि 2022 में भी इसका एक्सपीरियंस मेरे को, मतलब 2022 में इसका एक्सपीरियंस क्या है, ताकि आप अगर लेने जाएँ तो आपको कन्फर्म उससे पता चल पाए। चलिए फटाफट से वीडियो को करते हैं अनबॉक्स। तो इस बार सरप्राइजिंगली बात यह है कि इस बार मुझे यहाँ पे आईफोन का ओरिजिनल बॉक्स मिला हुआ है, यानी जो केसी फाइव का रेड बॉक्स होता है, जहाँ पे देख सकते हो ये रेड बॉक्स होता है केसी फाइव का। तो मोस्ट ऑफ ये बॉक्स मिलते हैं, बट अगर आप बहुत लकी हो तो आपको ऐसे ओरिजिनल बॉक्स मिल जाएगा। तो इस मामले में मैं बहुत आगे हूँ। तो यहाँ पर मुझे मिल चुका है एक केसी फाइव की तरफ से सुपर कंडीशन आईफोन XR। तो चलिए फटाफट से निकालते हैं। तो बॉक्स पे बात करें तो एज यूजुअल जैसा न्यू बॉक्स होता है, उसी तरीके से यहाँ पे पूरा फेस आउट दिया हुआ है, पूरा लुकआउट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ब्लैक में आईफोन, ठीक है, इस तरीके से एप्पल का लोगो, यहाँ पे भी आईफोन लिखा हुआ दिख जाएगा। और नीचे की तरफ कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हो कि जो मैंने आईफोन परचेस किया हुआ है वो है ब्लैक कलर, 3 GB रैम, 64 GB वेरियंट वाला। और यहाँ से आप देख सकते हो जहाँ पे सिंपल सा जो टैग है वो है केसी फाइव का। तो यहाँ पर उनका क्या ए टैग तो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बातें हो गई बहुत, आप फटाफट से निकालते हैं। तो ऐप डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। तो सबसे पहले आपको एक कार्ड मिलता है, जैसे कि आपको न्यू फ़ोन में मिलता है, और यहाँ पर है हमारा आईफोन XR ब्लैक कलर, और यहाँ पे मेरा 13 दिख रहा है। तो आप देख सकते हो, इग्नोर करो इसे। तो यहाँ पे मेरा आईफोन रखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चीज़ में हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, जो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है केसी फाइव के गाइस, वो रियली जो इनकी पैकेजिंग होती है वो एक्सीलेंट लेवल पर होती है। इसे अगर आप ऑफलाइन खरीदते हो तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इसे छू के देख सकते हो अपने मॉडल्स को, और आपको यहाँ पर जो पैकेजिंग है आपके सामने करके मिलता है, तो कोई भी नो डाउट की पैकेजिंग को लेकर आप देख सकते हो। यहाँ पर सारी पैकेजिंग आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, सो इट्स वेरी नाइस टू मी। और यहाँ से देख सकते हो, सबसे पहले मिल जाता है सिम इंजेक्टर टूल, जो कि केसी फाइव की तरफ से हमें मिलता है। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस इसी फ़ोन के बारे में, हेलो, एक हेलो कार्ड, इस फ़ोन का कैसे यूज़ करना है, जैसे कि पता है आपको नए फ़ोन में मिलता है। तो ये एज अ ओरिजिनल बॉक्स है, तो बहुत इसमें मतलब मिला है। और यहाँ पे देख सकते हो, ये है एप्पल के स्टिकर। तो जैसे मैंने बताया कि ब्रांड न्यू बॉक्स था, तो उसी में ये स्टिकर भी था, तो स्टिकर भी मैं अपने घर में या कहीं भी लगा दूँगा। तो बस बाकी कुछ नहीं, जैसा आपको पता है। और यहाँ से हम निकालते हैं अपने आईफोन को। सो आप देख सकते हो चमचमाता आईफोन ब्लैक 64 GB, ठीक है। तो फ़ोन को करते हैं साइड। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मुझे मिला एक पावर अडेप्टर, जो कि 5 वॉट का है, इसी साथ कंपनी के साथ में मिला था, ये भी ओरिजिनली है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मिला है केसी फाइव की तरफ से इनका केबल, जो कि बहुत ही ड्यूरेबल होता है गाइस, रियली जो इनकी केबल की क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। मैंने इसे तकरीबन 1.5 साल यूज़ किया, तब जाके ये ख़राब हुआ है। बट अब मतलब आप इसे अगर अच्छे से यूज़ करेंगे ना, मैं तो थोड़ा रफ एंड टफ यूज़ करता तो इतना चल रहा है, बट अगर आप इसे अच्छे से यूज़ करेंगे तो और बेटर तरीके से चलेगा। तो इनकी जो केबल की क्वालिटी है मुझे बहुत असल लेवल लगती है। बस बॉक्स में इतना ही और कुछ नहीं। तो बॉक्स को करते हैं साइड, और यहाँ से हम करते हैं फ़ोन को बूट अप। तो वो फ़ोन जब तक बूट अप हो रहा है, तो बात कर लेते हैं इनपुट की। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको मिलता है पावर ऑन ऑफ बटन, जैसे को पता है। यहाँ पे एंटीना बैंड, नीचे तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है स्पीकर ग्रिल,
और सेकेंडरी माइक, बीच में आपको मिलता है चार्जिंग बोर्ड। इस साइड की बात करें तो यहाँ पे बोलते हैं वॉल्यूम रॉकर बटन, और आपको मिलता है अलर्ट स्लाइडर जो कि आप आईफोन्स में आप देखने को नॉर्मली मिलता है। बैक साइड की बात करें तो आप देख सकते हो ब्लैक साइड पूरा एवन कंडीशन है गाइस, मतलब ये सुपर कंडीशन मैंने इसे परचेस किया हुआ है। और यहाँ सब देख सकते हो आप सिंगल लेंस मिलता है, फोन XR आपको सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि 12 मेगापिक्सल का है। वहीं पर आपको सेकेंडरी माइक मिलता है कैंसिलेशन के लिए, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो वहाँ पर कैंसिलेशन की तरफ से आपको मिल जाएगा। वहाँ पर LED फ्लैश लाइट, बस ज़्यादा फ़ोन में कुछ नहीं। और अगर मैं फ़ोन की कंडीशन दिखाऊँ नज़दीक से आपको, तो आप देख सकते हो, मैं आपको जूम आउट करता हूँ, तो गाइस आप फ़ोन की डिटेल्स को देखिए, मतलब ये मुझे सुपर कंडीशन में मिला है और फ़ोन में आपको एक भी डेंट नहीं दिखाई देगा। आई होप कि आपको वीडियोस में पूरे शो होते रहेंगे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा दूँ। आप देख सकते हो ये पूरे एजेस से मैंने कैप्चर कर रहा हूँ और ये आपको यहाँ पर एक भी डेंट फ़ोन में नहीं दिखाई देगा। तो रियली गाइस, मैं जितनी बार भी कैसीफाई से मैंने फ़ोन परचेस किया हुआ है, मुझे इसी सुपर कंडीशन में फ़ोन्स मिले मोस्ट ऑफ। हाँ, थोड़े सुपर कंडीशन में अगर फ़ोन परचेस करते हो तो 1000-2000 आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, बट डोंट वरी, आपको फ़ोन भी उसी तरीके से मिलता है। तो गाइस, फ़ोन यहाँ पे जो मुझे मिला है सुपर कंडीशन में बहुत ही शानदार तरीके से मिला हुआ है, मतलब एक भी डेंट नहीं, एक भी स्क्रैचेस नहीं। इनफैक्ट जैसे बैक साइड में आपको पूरा ग्लासेस मिला, पूरा ग्लास मिला, वहाँ पर भी आपको एक भी स्क्रैचेस दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो चुका है फ़ोन बूट अप। तो बात करते हैं सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी की, तो इसमें बैटरी कितना लेवल मुझे मिला है, क्योंकि अगर आप सेकेंड हैंड आईफोन परचेस करते हो, चाहे किसी फाइव से लो, टू गुड से लो, या फिर किसी और पर्सन से लो, तो सबसे पहले बैटरी हेल्थ चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं बैटरी हेल्थ में बता चुका हूँ कि जब मैंने इसे लिया तो देख के मैं काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि बैटरी लेवल में जितना सोचा नहीं था मुझे उतना मिला। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो 90% बैटरी हेल्थ मिला है, यानी कि ये फ़ोन बहुत अच्छा तरीके से चलने वाला है। तकरीबन से 2 साल तक तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं देगा एज बैटरी के मामले में, ठीक है। और यू नो दैट आप जो आईफोन XR का बैटरी है वो अभी तक एक एक्सलेंट बैटरी के रूप में माना जाता है, यानी बैटरी लेवल इसका बहुत ही ज़्यादा होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं लास्ट चार्जिंग किया हूँ आज ही वेडनेसडे, ऐसे जो वीडियो शूट हो रही है आधी रात को शूट हो रही है, इट मीन्स ये 12 के बाद शूट हो रही है, यानी मैंने इसे कल यानी शाम को 9:17 पर चार्ज किया तो 41% था। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जैसे तो 39% है। और लिटरली मैं इसे थोड़ा बहुत यूज़ किया, थोड़ा इसमें यूट्यूब चलाया, थोड़ा गाना सुना, और फ़ोन लिटरली स्टैंड बाय पे था, यानी फ़ोन को मैंने बंद करके रखा था, स्विच ऑफ नहीं था, स्विच ऑफ मैं थोड़ी देर पहले किया था। तो फ़ोन में आप देख सकते हो कि काफ़ी देर से फ़ोन मेरा बंद था, जिसके बाद भी यहाँ पे बैटरी की जो परसेंटेज है वो काफ़ी 2% गिर रही, तो यानी जो बैटरी इसका मतलब दिया हुआ है यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से बैटरी काम करने वाला है। आप देख सकते हो रिजल्ट पता चल ही जाएगा आपको। बाकी स्टोरेज की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे मिला है 64 GB, जैसे कि आपको बताया था बॉक्स में यहाँ पे दिखा हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मिला है 64 GB, मेरे को वेरिएंट मिला यहाँ, जिसमें से 11.2 GB जो सिस्टम ऑक्यूपाइड किया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें हमें यूज़ करने के लिए मिलती है। डिस्प्ले की बात करो तो यहाँ पे आपको 6.1 इंच का डिस्प्ले मिलता है, HD+ डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है इसमें एमोलेड के साथ में। और वहीं पर आपको जो बैटरी है इसमें आपको मिलता है 2942 mAh की बैटरी, यानी 2942 mAh की बैटरी मिल जाती है। इस फोन की जो बैटरी है गाइस वो रियली में बहुत शानदार तरीके से चलती है, क्योंकि मैंने इस फोन को तकरीबन 1.5 साल तक यूज़ किया है आईफोन XR को। मेरे पास दो फोन मैंने यूज़ किया हुआ है, तो मुझे बैटरी का जो इसमें बहुत ही हाईलाइट पॉइंट लगा कि इसका जो बैटरी है वो बहुत ही लिटरली सही तरीके से काम करता है। कैमरा सेटर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको नॉर्मली कैमरा सेटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आपको पैनोरमा का ऑप्शन मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड मिलता है। हाँ, बट आईफोन XR में अगर एक पोर्ट्रेट का ये इशू है कि आप इसमें खाली ह्यूमंस का ले सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेने जाओगे तो वहाँ पे पोर्ट्रेट मोड कैप्चर नहीं होगा, तो ये डिसअपॉइंटेड की बात है। बट डोंट वरी, आज के टाइम पर हम ह्यूमंस के ही फोटो ज़्यादातर कैप्चर करते हैं एज अ पोर्ट्रेट मोड, ठीक है। वहीं पर आपको फोटो नॉर्मल का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। तो गाइस, आप वीडियो को 4K एट 60 FPS पे भी शूट कर सकते हो, देख सकते हैं यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 60 है, तो बहुत अच्छी बात है, यानी अपनी हाई क्वालिटी फोटोज़ को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपने इस आईफोन से, ठीक है। वहीं पे आपको स्लोमो का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आपको पता है कि आईफोन के हर मॉडल्स में मिलता है, वहीं पे आपको टाइम स्लिप का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो गाइस, इस फोन से लिए कुछ फोटोज और वीडियो आप शो करेंगे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया पता चल पाए कि इस फोन की क्लैरिटी और क्वालिटी किस तरीके से, किस बेसिक, किस लेवल पर डिपेंडिंग है। तो चलिए मैं आपको कुछ फोटोज और वीडियोज़ को शो कराता हूँ।
आई होप आप देखे होंगे कि जो फोटोज और वीडियोस है इस फोन से ली हुई काफ़ी शानदार तरीके से काम करती है, यानी जो एक एक एजेस से बहुत तरीके से दिखती है। अगर नज़दीक के फोटो को लोगे तो बहुत ऑसम लेवल पे आता है। वहीं पे अगर कुछ वीडियो यूट्यूब की वीडियोस प्ले करते हैं, चलिए मैं कुछ वीडियोस प्ले करके दिखाता हूँ यूट्यूब का, ताकि आप क्लियरिटी पता चल पाए। अगर आप इस फोन में मूवीज़ देखना चाहते हो गेमिंग के लिए तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया पता चल पाएगा। और एक बात, हाँ और एक बात और गाइस, कि इस फोन में जो गेमिंग का परफॉर्मेंस है कसम से बहुत ऑसम लेवल है, क्योंकि इसमें गेम बहुत शानदार तरीके से चलता है। बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। यहाँ पे मैं कुछ वीडियोज़ प्ले करता हूँ यूट्यूब के। अगर एजेस की बात करो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एजेस काफ़ी बड़े दिए हुए, मतलब बहुत सारे यहाँ पे बेजेस मिलेंगे मोटे मोटे। वहीं पर अगर लेकिन आप वीडियोस को प्ले करते हो फिर मूवीज़ देखोगे तो इतना बेजेस आपको नोटिस नहीं होगा। ओवरऑल आप जो वीडियो का एक्सपीरियंस है बहुत अवसर लेवल पर जाने वाला है। इसके डिस्प्ले में जो कलर्स उठ के आ रहे हैं आप देख सकते हो कि एज़ यूजुअल नेचुरल कलर्स जो भी दिखते हैं वो सारे आ रहे हैं। यानी अगर आप इस फोन में मूवीज़ देखेंगे तो एक्सपीरियंस अवसर लेवल पे जाने वाला है आपका। तो चलिए आपको कुछ साउंड क्वालिटी पे सुनाता हूँ इस फ़ोन की, तो यहाँ पर आपको पता चल पाएगा कि इस फ़ोन का स्पीकर किस तरीके से काम करता है। तो चलिए फटाफट से उसे प्ले करते हैं। लिटरली जो पे मेरा कंक्लूजन निकल गया है साउंड क्वालिटी तो रियल में मुझे बहुत औसम लगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर काफ़ी लाउड है और लिटरली अगर आप इसे अपने ईयर से सुनेंगे तो काफ़ी अच्छे एक अलग तरीके से साउंड आपको मिलता है। बाकी आपने वीडियो तो देखा ही, वीडियो में जो शानदार क्वालिटी आ रही थी गाइस, यानी अगर आप इसमें मूवीज़ देखेंगे या फिर गेमिंग करेंगे, खासकर गेमिंग के लिए फ़ोन काफ़ी बना हुआ था, मतलब जब स्टार्टिंग में ट्रेंड हुआ था तो इसके अंदर काफ़ी गेमिंग के परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी चर्चा में बातें आई थी कि इसमें गेमिंग बहुत औसम लेवल पर होता है, और लिटरली ये बात बहुत सच है। और यहाँ पे गेमिंग प्लस मूवीज़ के लिए ये फ़ोन ऑप्शन मिल पर होता है। तो चलिए बात करते हैं 2022 में आपको इसे परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए गाइस, अगर आपका बजट 22 से 23 हज़ार में है तो लिटरली आज के डेट में आपको इतना अच्छा फ़ोन कहीं से भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप टू गुड से भी लेंगे तो वहाँ पर भी चांसेस रहते हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स के, या फिर अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो अच्छी बात नहीं, वो अच्छी कंपनीज नहीं है और फिर अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है अपने सेकेंड आईफोन को परचेस करने के लिए, बट वहाँ पर क्वालिटी का गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ और आप यहाँ पर ले भी नहीं सकते हो। बट इन केस अगर आप केसीफाई में जाते हो, और फर्स्ट थिंग यहाँ पे कोई भी प्रमोशन नहीं करूँ केसीफाई का, मेरा रियल ओपिनियन है। तो अगर आप केसीफाई से लेने जाते हो सेकेंड हैंड आईफोन, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप सामने से देख सकते हो कि आपका आईफोन का जो कंडीशन है वो किस हाल में है। जैसा कि आपने देखा वीडियो में, एक भी आप में कोई स्क्रैचेस नहीं आए, और यहाँ पे आप बेटर डिसीजन ले पाओगे उन शॉप के अंदर जाके ऑनलाइन ऑफलाइन कि आपको इस फोन को परचेस करना चाहिए फिर नहीं। फाइनली फ़ोन का जो प्राइस मुझे पड़ा, मतलब उन्होंने जब स्टार्टिंग बोला तो 25K बोला, बट थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करने के बाद या फिर थोड़ा बहुत दुकान में रुके, थोड़ा बहुत मतलब बातचीत की है, तो लिटरली में फ़ोन मुझे मिला है 22.5K यानी 22,500 में। तो एक बहुत बड़ी अच्छी डील थी मेरे लिए, ताकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 22,500 के मतलब 22,500 में आज के डेट में इतना A1 कंडीशन फ़ोन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इसे OLX से लेते हो तो आपको पता है आज के डेट में कितने सारे फ्रॉड्स होने के चांसेस रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको गारंटी नहीं होता कि जो आप फ़ोन ले रहे हो चोरी का है फिर क्या है। बट यहाँ पे अगर आप केसीफाई से परचेस करते हो तो डोंट वरी, ये फ़ोन आपको बिल्कुल एक एज अ ब्रांड न्यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो केसीफाई एक ट्रस्टेड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सेकेंड हैंड एक सुपर कंडीशन के फ़ोन अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे सुपर कंडीशन में लिया तो थोड़ा बहुत मुझे प्राइसिंग में थोड़ी बहुत महंगा पड़ा, और बोलूँ तो एक पहचान हो चुकी है उस दुकान से, तो मतलब जो शॉप के मतलब वहाँ पे जो एम्प्लॉई है थोड़ा बहुत हमारी हेल्प कर देता है और अच्छी पीस को हमेशा हमारे लिए निकाल देता है, तो एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और बात करते हैं इस फ़ोन की, तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ इस फ़ोन को, तो अगर आपकी आपका जो बजट है 20 से 25 हज़ार में है तो डेफ़िनेटली आप इसे परचेस कर सकते हो, अब काफ़ी अच्छी डील होगी।
तो यहाँ पे मैं इस फ़ोन को लेकर बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बताओ, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो अभी सेकेंड हैंड फ़ोन लेने जा रहे हैं कैसीफाई से उन्हें एक आइडिया पता चल पाए कि फ़ोन का जो कंडीशन होता है कैसीफाई में वो किस तरीके से होता है। तो बस गाइस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरीके से और भी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी अनबॉक्सिंग के साथ में, तब तक टेक केयर ऑफ ऑल, जय हिंद।